बॉस की जान है सलमान, बिग बॉस के सुल्तान है सलमान। तो जनाब, बिग बॉस को छोड़ना सलमान के लिए नहीं है इतना आसान। हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन और मेरे साथ है प्रशांत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिग बॉस का सीज़न जो है, तुमने भी देखा होगा प्रशांत, कि सलमान पिछले 10 सालों से होस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन हर बार वो ऐसा कह देते हैं कि मैं बिग बॉस को छोड़ दूंगा, अब नहीं करूंगा अगले साल से। तो इस बार भी कुछ ऐसी ही खबरें आ रही थी। यास्मीन, ऐसा नहीं है कि सलमान खान कहते नहीं है, काफ़ी बार कह चुके हैं इवन। और अगर एक बात और मैं बता दूँ, अगर सलमान खान बिग बॉस होस्ट ना करें तो बिग बॉस ही नहीं है, क्योंकि सलमान खान ही वो एक ऐसे एक्टर हैं जो कि घर में मौजूद कंटेस्टेंट्स को अच्छे से परख सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें संभाल सकते हैं। इवन तुमने देखा होगा कि सलमान से पहले बिग बॉस को शिल्पा शेट्टी, अरशद वारसी और अमिताभ बच्चन भी होस्ट कर चुके हैं, इवन संजय दत्त भी सीजन 5 को होस्ट कर चुके हैं, लेकिन कंटिन्यूसली लगातार सलमान खान ही मेकर्स के फेवरेट बने हुए हैं। लेकिन एक खबर यहाँ पर यह है कि ऐसी खबरें आ रही थी कि बिग बॉस जो है वो 5 हफ्तों का एक्सटेंशन कर रहे हैं बिग बॉस का, जस्ट बिकॉज ऑफ टीआरपी, क्योंकि पिछले हफ्ते जो आसिम और सिद्धार्थ की लड़ाई ने जो टीआरपी लाके दी है शो को, वो बेहद ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी, जिसके चलते जो मेकर्स हैं वो शो में और बढ़ावा करें ताकि टीआरपी और मिले। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ गई है कि बिग बॉस ने एक्सटेंशन तो कर दिया, लेकिन सलमान खान यहाँ पर फंस चुके हैं, क्योंकि सलमान खान अपने कामों को लेकर भी काफी बिजी हैं। उनकी एक तरफ दबंग 3 है, दूसरी तरफ ने राधे की भी शूटिंग शुरू करनी है। बिल्कुल प्रशांत, ऐसे ही बीच में खबरें आई थी कि सलमान ने इस बार भी बोल दिया है कि वो शो छोड़ देंगे। अब उनको लेकर ऐसा भी कहा जा रहा है कि बिग बॉस के मेकर्स जो उन्हें अब डबल फीस देने वाले हैं, ऐसी भी खबरें आई थी। बेसिकली हाँ, ऐसा कहा जा रहा था कि सलमान शो को बीच में छोड़ देंगे, लेकिन वो ना बिग बॉस जो है ना, मेकर्स जो है बिग बॉस के, वो सलमान को लालच दे देते हैं हर बार की तरह, पैसों का लालच। इवन सलमान भी बोल चुके हैं, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, मैं तो करना ही नहीं चाहता, ये बिग बॉस वाले मेरे को पैसे इतने ज़्यादा देते हैं, मैं मना ही नहीं कर पाता हूँ। तो वहीं इस बार फिर बिग बॉस के मेकर्स ने वही चीज़ करी है। रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक सलमान खान को हर हफ्ते या एपिसोड पर एपिसोड के हिसाब से 13 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये जो एक्सटेंशन हो रहा है, जो 5 हफ्ते का एक्सटेंशन होगा, उसके लिए मेकर्स ने सलमान को रोकने के लिए शो में उन्हें 2 करोड़ और एक्स्ट्रा करके दिए, यानी कि अब उन्हें 15 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसका इस हिसाब से तो उनको ओवरऑल जो फीस मिल रही है बिग बॉस की, वो 270 करोड़ रुपए होने वाली है। कहीं ना कहीं जो मेकर्स थे वो यही चाह रहे थे कि सलमान रुके ना रुके, लेकिन हाँ, अगर उनकी मनी बढ़ेगी तो वो डेफिनेटली रुकेंगे, क्योंकि वो सीजन से इसी उस पर करे जा रहे हैं, क्योंकि हर सीजन अगर तुम देखो तो उनकी फीस में इजाफा पे इजाफा हो रहा है, तभी वो शो कर। बिल्कुल, ऐसा भी देखा गया था प्रशांत कि हर बार उनके सीजन पे 2-2 करोड़ बढ़ते जा रहे हैं। हर वैसी भी खबरें कई जगह पे देखी है मैंने कि हर बार सीजन जो कर रहे हैं उनके 2-2 करोड़ बढ़ते जाते हैं। और तुमने जैसा बताया कि इससे पहले भी कई लोगों ने, शिल्पा शेट्टी जैसे लोगों ने बिग बॉस उसको होस्ट किया है, लेकिन सलमान वाली बात किसी में नहीं आई। इवन लास्ट वाले अभी वीकेंड का वार पे सलमान ने कहा था कि मेरे जितना कोई हैंडल कर नहीं सकता है, इस वजह से मैं सोचता हूँ कि क्या करें, अब मैं ही आ जाता हूँ होस्ट। ऐसा नहीं है कि सलमान खान होस्ट करते हैं तो उनको नेगेटिव चीज़ें नहीं सुनने को मिलती हैं, बायस्ड कहा जाता है सोशल मीडिया पर, लोग बायस्ड तक बोल देते हैं सलमान को। इवन सलमान खान खुद बोल चुके हैं इस बात को कि मैं नहीं चला रहा हूँ ये शो, बिग बॉस ही चला रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ का जवाब दिया था कि वो बायस्ड नहीं है। हाँ, हर किसी का कोई अपना फेवरेट होता है, पसंद करता है, तो वो उसके सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जैसे सलमान का शहनाज को लेके सॉफ्ट कॉर्नर है, तो वो दिखता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो औरों की लतार या डांट नहीं लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं बात अगर उनकी शो में वापस आने की करें तो ये तो अब लगभग माना ही जा रहा है कि सलमान खान शो नहीं छोड़ेंगे। अगर तुमको याद हो तो सीजन 8 था गौतम गुलाटी वाला, उस दौरान क्या हुआ था कि सलमान खान को शूटिंग करनी थी और वो नहीं दे पा रहे थे टाइम, तो फिर फराह खान ने शो को आगे कंप्लीट किया था पूरा। तो इस बार भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद सलमान, तो इस बार ऐसा फाइनल हो चुका है सारी चीज़ें कि सलमान ही मतलब मान चुके हैं। मेकर्स और सलमान में से किसी ने भी कंफर्मेशन ऑफिशियली मोहर नहीं लगाई है, लेकिन रिपोर्ट्स में ही कंफर्म कहा जा रहा है कि बिग बॉस के जो मेकर्स हैं उन्होंने सलमान की फीस में इजाफा कर दिया है, उनकी फीस बढ़ा दी, उन्हें और ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। इस हिसाब से अब सलमान खान थोड़ा मान भी गए हैं और वो शायद आगे भी करेंगे। वेल, तो दोस्तों अब देखना तो ये होगा कि सलमान को जो मेकर्स ऑफर दे रहे हैं उस पर सलमान अग्री करते हैं या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कि सलमान बेस्ट होस्ट हैं बिग बॉस के लिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।